हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी जिसको बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं, और रेस्टोरेंट जाना तो भूल ही जाएंगे अगर घर में एक बार इस तरह से बनाएंगे बहुत सारी लेयर वाली ये पराठा। तो फ्रेंड्स, ये लच्छा पराठा है और साथ में मैं पनीर की सब्जी भी बनाऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नया रेसिपी, नया वीडियो आप तक एकदम झट से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी लेयर वाली लच्छा पराठा बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर पनीर ली हूँ 350 ग्राम, और एक प्याज, दो टमाटर और एक पूरा लहसुन को और मिर्ची अदरक में छील कर रख ली हूँ। तो सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ लच्छा पराठा का। तो यहाँ पर मैं मैदा और आटा दोनों से मिला करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से बना सकते हैं, और ये जो लच्छा पराठा है ना, ये सिर्फ मैदा से बनाने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और बनता भी है। पर मेरे घर में आटा पसंद किया जाता है, मैदा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके घर में मैदा पसंद करते हैं तो आप मैदा से ही बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा इसका लच्छा का लेयर बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक कटोरी आटा ली हूँ और एक कटोरी ही मैं मैदा मिला करके बना रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ। तो मैं नमक डालते हुए दिखाने भूल गई, मैं मतलब मोबाइल ऑन नहीं कर पाई थी और मैं अकेले ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो कभी कभी छूट जाता है। तो यहाँ पर मैं नमक डाली हूँ थोड़ा सा, तो आप नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा पानी का हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा आटा। हमें एकदम सॉफ्ट सा इस तरह से डो बना करके और तैयार कर लेना है, और ये बन चुका है और इसको हम रख देते हैं अब साइड में। और हम यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 इलायची, 2 1 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, और 1 बड़े साइज़ का प्याज को मैं काट ली हूँ रफली, और इसको हम भून लेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है। इसका हम मसाला तैयार करेंगे पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 छोटे साइज़ का टमाटर को रफली काट करके डाली हूँ, और यहाँ थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए जल्दी से, और बिल्कुल थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल दी हूँ, इससे और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। हमें एकदम भूनना नहीं है इसको, बस 2 मिनट हम इसको ढक करके पकने देंगे जिससे कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 2 मिनट हो गया है और पानी सोख गया है और टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ पर निकाल ली हूँ मैं, और जब ये ठंडा हो जाए हम इसका छिलका उतार करके इसका पेस्ट बना लेंगे पीस करके। और मैं उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल करके और पनीर को मैं भून लेती हूँ। तो पनीर को भी हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, मतलब फ्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए ही इसको हम फ्राई करेंगे, और बिना ढके ही फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए 2 मिनट हो गया है, मैं इसे फ्राई करके निकाल लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये पनीर की सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल डाली हूँ और तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ 1 तेज़पत्ता डाल दी हूँ मैं तोड़ करके, और अब हम मसाला भून करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, 2 लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। इससे बहुत ही बढ़िया सा एकदम फ्लेवर आएगा पनीर में। तो अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप बड़ी इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसको हम चटकने देंगे जीरा को, और उसके बाद हम जो मसाले पीस करके रखे हैं प्याज और ये टमाटर वगैरह का, तो हम मसाले को डाल करके और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा इसमें छींटे लगते हैं, तो आप सावधानी से ही इसे भूनें, और इस तरह से मिला लेंगे हम बहुत अच्छे से। इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ पाउडर वाले मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच मैं यहाँ काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ, और 1 चम्मच भर के धनिया डाली हूँ। तो ये छोटा चम्मच है, तो आप छोटा चम्मच से ही डालें, या फिर अगर मसाले कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं, जैसे कि अगर तीखा पसंद है तो आप मिर्ची और डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों के पसंद के अनुसार से ही बनाती हूँ, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच ही डाली हूँ। और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे, और इसको हम रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए, क्रीम तो घर में मैं नहीं रख पाई हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच दही ली हूँ, और यहाँ 6 से 7 मैं काजू ली हूँ,
तो इसको हम पीस लेंगे। छोटे वाले मिक्सी जार में बहुत अच्छे से पीस जाते हैं दही के साथ। अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई के साथ भी इसको पीस करके और डालेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही लगेगा खाने में। तो इसको पीस लिए हैं और हम इसमें डाल देते हैं इसको। मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा बचा ली हूँ, आधा चम्मच, इसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और अब हम इसको मिला लेते हैं सभी को। और इस समय पर हमको बिल्कुल लो रखना है आँच को, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे और बीच बीच में मसाले को चलाते हुए हम इसको पीसने का काम करेंगे तो ये अच्छे से भुनेगा और जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर ही हम दही को मिलाएंगे और इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर अगर कसूरी मेथी है तो आप उसे ज़रूर डालें, आधा चम्मच मैं डाली हूँ और आधा चम्मच ही मैं यहाँ गरम मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इस सभी चीज़ों को मिला करके और अच्छे से भून लेते हैं। और मसाला भून गया है और अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। तो अभी इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सिर्फ डालूंगी, थाली में तेल वगैरह लगा हुआ था तो उसी को मैं थोड़ा सा डाली हूँ, दो तीन चम्मच। और इसको अच्छे से अब इस तरह से मिला लेंगे और इसे अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसमें आधा गिलास पानी डाल करके मैं देख लेती हूँ पहले कि कितना पानी लगेगा। तो आप इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें, पनीर की सब्ज़ी थोड़ी कम ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर आधा गिलास ही पानी डाली हूँ और इनको 3 से 4 मिनट तक ढक करके पकने देंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पनीर बनने में, मसाले भुने हुए होते हैं और पनीर तो बनी हुई ही रहती है, सॉफ्ट रहती है, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल दी हूँ और इतना ही हमें ग्रेवी रखना है। तो अब हम इसको गैस बंद करके उतार लेंगे और देखिए मैं इसे उतार ली हूँ और बढ़िया सा हमारा पनीर की सब्ज़ी बन करके रेडी है। बहुत कम समय में बहुत ही आसान तरीके से घर की ही चीज़ों से ये पनीर की सब्ज़ी खाने में एकदम मज़ेदार लगती है। मैं यहाँ पर आधा चम्मच घी डाली हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाली हूँ घी। अगर आपको पसंद है तो डालें और नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं जो थोड़ा सा आधा चम्मच जो दही और काजू को बचा करके रखी थी उसका पेस्ट, उसे मैं डाल दी हूँ, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इसको हम साइड में रख देते हैं ढककर। अब हमें पराठे बना लेने हैं। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से फूल गया है और ये फूलने के बाद थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है। तो आप इसका जब आटा लगाएं ना तो थोड़ा टाइट ही लगाएं, तो ये नहीं खराब, मतलब गीला नहीं होगा। और अगर गीला हो भी जाए तो आप इसमें मैदा या फिर आटा डाल करके और इसको वापस से इस तरह से मसल कर मिला लेंगे तो ये अब बहुत अच्छे से बन जाता है बेलने के जैसा, और इससे चिपकेगा नहीं बेलन पर। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और हम इसका जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से बड़ा सा रोटी ही बेलेंगे, जो फुलके बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही बेलेंगे। और यहाँ पर एक चम्मच घी डालेंगे, घी या फिर अगर रिफाइंड तेल से आप बनाना पसंद करते हैं तो आप इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। और सब तरफ अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मैदा या फिर आटा डाल करके मिला लेंगे, जिससे लेयर चिपकेगी नहीं आपस में और एकदम खुला खुला सा लेयर बनेगा और बहुत ही अच्छे से सभी लेयर बन करके रेडी होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर है तो आप उससे काटें और नहीं तो चाकू से ही जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक इसको काट लेना है इस तरह से, जैसे हम नमक पारे का काटते हैं ना। तो नमक पारे तो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा रहता है, तो यहाँ पर आपको बारीक बारीक ही काटना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना ही। तो ये देखिए मैं काट ली हूँ इस तरह से और अब हम इसको समेट लेंगे, एक किनारी से समेटते जाएंगे और हम इसको सभी को समेट करके और मिला लेंगे देखिए इस तरह से। तो इसमें हम घी डाल करके और ऊपर से आटा डाल लिए ना, तो ये अभी तो चिपका हुआ से लगेगा पर ये बनने के बाद सभी पकने के बाद पराठे सेकने के बाद ये अलग अलग लेयर हो जाते हैं। और इसको हम आधा चम्मच और इसमें घी डाल लेते हैं, आधा से थोड़ा सा कम ही, थोड़ा थोड़ा ही, जिससे कि ये अच्छे से लेयर खुल करके बाहर आए। और ये देखिए हम इसको इस तरह से रोल करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का सा खींचते हुए रोल करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही, तो ये बड़ा हो जाएगा। और जब हम इसका रोल करेंगे तो ये एकदम पतली पतली सी लेयर इसका बनेगी और हम इसको इस तरह से वापस समेट करके और गोल बनाएंगे। तो देखिए
मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से इसको हम समेट देंगे सभी को, हल्का हल्का सा घुमाते जाएंगे हम, और इस तरह से इसका लेयर को हम समेटते जाएंगे सभी को। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरह से। और जो लास्ट में बचे उसको हम पीछे की तरफ इधर दबा देंगे, और इसको हम इस तरह से चकले पर रख करके और हल्के हाथों से दबाएंगे। आप अगर इसको बेल करके बनाएंगे तो ये रोटी की तरह ही बनेगा, पर लेयर एकदम पतली सी बनेगी। तो इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, और हाथ से ही इस तरह से दबा देंगे, एकदम मुलायम आटा है, हाथ से ही दबा देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है, और इसको हम सेक लेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, तभी इसके लेयर अच्छे से खुलते हैं। तो मैं यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रख दी थी, और गर्म भी हो गया है। तो इसमें हम घी डाल लेंगे आधा चम्मच, और इसको सब तरफ मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लोहे के तवे पर भी ना ये पराठा बहुत अच्छे से सिकता है, बस हमें इसमें आँच को तेज़ नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम टू लो में हम इसको सेकेंगे, मतलब मीडियम से भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे। तो इसे इसको सेकने में हमें एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है, थोड़ा आराम से सेकना है, तभी इसका लेयर बहुत अच्छे से अंदर तक पकेगा। तो ये मोटा है थोड़ा, तो इसको अगर जल्दी हम ज़्यादा हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसको आप जितना आराम से सेकेंगे उतनी अच्छी ये क्रिस्पी बनेगा, ऊपर से बहुत ही अच्छा सा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा खाने में, और अंदर बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहता है, और सभी लेयर अच्छे से खुल करके बाहर आते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है, और लो फ्लेम लो टू मीडियम में सेकेंगे तो आपको समय भी मिल जाएगा दूसरा पराठा बेलने के लिए। तो ये देखिए मैं इसे सेक ली हूँ, और दूसरा पराठा भी मैं इसको बनाते तक में बेल ली थी, और मैं दूसरा भी निकाल ली हूँ। और इसी तरह से आप सभी को बना करके रेडी कर लेंगे, तो बहुत ही कम समय लगता है, जब तक एक सीखता है तब तक दूसरा हम बेल करके रेडी कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही कम समय में हमारा आज का खाना बन करके रेडी है। तो अगर घर में आप इस तरह से बनाएंगे कभी कभी ही सही, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बड़ों को भी आता है, और रेस्टोरेंट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर पूरा परिवार रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपके हज़ारों रुपए लग सकते हैं, और आप बहुत ही कम पैसे में घर में एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आप तो देख ही चुके हैं कितना आसान है इसे बनाना, लच्छा पराठा और पनीर की सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लगता है खाने में फ्रेंड्स। और अगर कुछ कम ज़्यादा मसाले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी घर में बहुत अच्छे से बनता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा कैसा लगा मेरा रेसिपी। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, इतनी सारी लेयर वाली पराठा जो बनी है, इतना सुपर टेस्टी पनीर की सब्जी जो बनी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।